हेलो वन माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, बॉलीवुड की स्टार किड नाम है जानवी कपूर की पिक्चर आई है, नाम पिक्चर का है मिली। और हमारे साथ में आ गए हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जिमी। स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर। आपने देखी है जानवी कपूर की मिली? कौन से रो में मिली, ए रो या बी रो में? मैं ए रो में बैठा था। अच्छा, आप ए रो में बैठे थे। हाँ। और वो मिली कौन से रो में? मिली तो पता ही नहीं कहाँ थी। अच्छा, पता नहीं कहाँ थी। हाँ। चलिए, कैसे लगी आपको जानवी कपूर की मिली? डाइंग टू सर्वाइव। 5 घंटे की जो सर्वाइविंग है उसकी फ्रीजर के अंदर में। मुत्तुकुट्टी जेवियर डायरेक्टर है साउथ के, और साउथ की रीमेक है हेलेन फिल्म की जी। लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों ने देखी होगी फिल्म, ज़्यादा वो चर्चे में भी नहीं थी। और ये जो मिली, उन्होंने जो बनाई है स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ है, स्क्रीन प्ले गड़बड़ हो गया बोल रहे फर्स्ट एक्सपर्ट। ओके। हाँ, और स्टोरी में फादर एंड डॉटर का जो केमिस्ट्री दिखाया है वो बहुत इमोशनल है। फादर एंड डॉटर की, हाँ, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई है। ओके। तो समवेयर उसको संभालने के चक्कर में जो मेन मिली का जो प्लॉट है वो मिस कर जाता है। वेरी स्लो गोइंग एंड डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मात खा रहा है। स्क्रीन प्ले में क्या है पिक्चर का? 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट में भी स्लो लगी पिक्चर? स्लो लगी पिक्चर मेरे को। मतलब ये जो जिस तरह के मिडिल क्लास फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, जो आजकल के मिडिल क्लास बच्चे पढ़ाई के चक्कर में, मतलब अपनी फीस भरने के चक्कर में कहीं पर भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं या मैकडी में काम करते हैं या KYC में काम करते हैं, KFC में काम करते हैं, उस तरह का एक जॉनर लेके चले हैं। हमारी जो बॉलीवुड की स्टार किड जानवी मिडिल क्लास लगी पर्दे पे? हाँ, वो मिडिल क्लास लगी है इसमें, उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। अच्छा, बट ओवरऑल लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कहानी। अच्छा, डाइजेशन नहीं होगी? डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि पुदीना खाना पड़ेगा। मतलब बहुत स्लो ट्रीटमेंट है इसका, जो थोड़ा पेसी होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, थोड़ा पेसी होना चाहिए था तो डेफिनेटली ये कुछ काम कर जाती थी। मतलब 1.5-2 घंटे का फिल्म होती है, 15-20 मिनट कहीं काट देते हैं तो अच्छी तरह से ये पेस पे जाती है, फिल्म थोड़ी सी लाइमलाइट में आती थी, उड़ जाती थी। हाँ, रिक्वायर्ड लिटिल बिट एडिटिंग और 15-20 मिनट्स। अच्छा, और कम होनी चाहिए, और कम होनी चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ उन्होंने बहुत लेंदी कर दिया है फिल्म को। ओके। तो पीपल आर वॉचिंग मोबाइल, है ना, डिस्कसिंग ऑन फोन, और कोई गेम खेल रहा है, तो इट शुड नॉट हैपन। करेक्ट। ये मैं भी, वो भी देख रहा हूँ। मैं आगे, मैं ए रो में बैठा, मैंने कहा मैं पीछे से बैठ के देख रहा था सबको कि लोग क्या कर रहे हैं। फिल्म देखने जाती है तो उनका नजर बड़े पर्दे पर ही होना चाहिए, वो क्या चल रहा है, एक सीन भी मिस नहीं करनी चाहिए उन्होंने। हाँ, ऐसा इसमें था, लेकिन वो मुत्तुकुट्टी जेवियर जो है वो स्क्रीन प्ले में कहीं जमा नहीं पाए। ओके। व्हाट आई फील इज ओके अकॉर्डिंग टू द बाकी प्लॉट, कहानी का बहुत अच्छा है। इसमें ए आर रहमान का म्यूजिक है और जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स हैं, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। बॉनी कपूर इज़ द प्रोड्यूसर, मतलब सब बड़े बड़े हाथी हैं इसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं कमाल नहीं कर पाए वो लोग। मतलब ए आर रहमान भी कुछ काम नहीं कर पाए, जावेद अख्तर भी कुछ काम नहीं कर पाए, एज अ सॉन्ग भी कुछ धासू नहीं है। मोमेंटम है थोड़ा सा, आता है कि जब सीन के साथ जो जाते हैं वो ठीक है, वो समझ में आता है। बाकी तो ओवरऑल मिली को उतना, मतलब प्रतिसाद नहीं मिलेगा, इतना प्रतिसाद नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जिमी जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा जी कि जो लीड एक्ट्रेस है हमारी जानवी कपूर, द स्टार किड, हाँ, स्टार किड्स, उनका स्क्रीन टाइम कितना है? कि हर दूसरे फ्रेम में वही दिख रही है स्क्रीन पे, बस यही प्रॉब्लम है सब होगा या में... कुछ दो दूसरे कैरेक्टर आर्टिस्ट है फिल्म में वो भी दिखे? नहीं दिखे हैं, मतलब हर फ्रेम में ये नहीं है मिली, फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में ऐसा नहीं है, हर दूसरे सेकंड में है, हर दूसरे सेकंड में तो नहीं है, हाँ, हर एक मिनट के बाद है वो, हर एक मिनट के बाद, हर एक मिनट के बाद है। तो यही अमूमन प्रॉब्लम होता है बॉलीवुड में, ऐसा नहीं, ओवरडोज तो नहीं हो रहा है। ओके। ओवरडोज नहीं है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही जा रहे हैं वो लोग। ओके। लेकिन ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में यही दिक्कत होती है कि एक फ्रेम से शाहरुख अगर निकला तो दूसरी फ्रेम में भी शाहरुख ही होता है। तो आजकल वही सब माहौल चल रहा है बॉलीवुड में, इस वजह से शायद बॉलीवुड की फिल्म चल भी नहीं रही है, है ना। कि और इस फिल्म में इसने इंटरकट लेके जो गया है इनटू द मूवी एंड स्क्रीन प्ले, वो बहुत बढ़िया तरीके से लेके गया, लेकिन अगेन ही इज लूजिंग द स्क्रीन प्ले, टाइमिंग ऑफ द स्क्रीन प्ले जो है आ रहा है तो स्क्रीन प्ले पे, स्क्रीन प्ले पे ही है। yes, जो भी इसका दारोमदार, जो कहानी, कोई भी फिल्म की कहानी का रीढ़ की हड्डी होती है स्क्रीन प्ले। करेक्ट। आपने अगर उस पर होमवर्क नहीं किया तो फिर
पर्दे पे भी वही चीज आएगी। ओके ओके, फाइनली मैं पूछना चाहूंगा कोई डायलॉग जो कि आपको याद रहा मिली देखने के बाद। नहीं, ऐसा कोई डायलॉग नहीं है इसके अंदर, कोई नहीं ऐसा, ऐसा कुछ डायलॉग जानवी पर्दे पे बोलती है ऐसा डायलॉग और आपको याद रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। ओह माय गॉड, हां, ऐसा देयर इज नो वन लाइनर्स और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं खुल के। मैंने वही बोला कि माइनस पॉइंट सिर्फ इसका स्क्रीन प्ले है, प्लॉट बहुत अच्छा है, भले वो रीमेक है, रीमेक बनाना भी कोई खाने का काम नहीं है, कॉपी करना भी कोई खाने का काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा डूज हो गया। फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, पोस्टर पे सिर्फ जानवी कपूर दिख रही है। हाँ, आप लास्टली, हाँ, एज अ एक्सपर्ट, हाँ, जानवी कपूर को क्या सजेशन देना चाहेंगे आने वाली जो फिल्में हैं उनकी, हाँ, उन्होंने कैसी करनी चाहिए? नहीं, बतौर एक्टर उन्होंने अच्छा काम किया है। अब पर्दे के पीछे जो काम करते हैं राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, उनको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, है ना, सिर्फ एक्टर ही पर्दे पर दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परफॉर्म तो अच्छा कर ही रहा है। परफॉर्मेंस अच्छा है जानवी का, जानवी का परफॉर्मेंस अच्छा है, हमारे एक्सपर्ट, स्क्रीन प्ले में गड़बड़ हो गई है। जानना चाहेंगे पांच में से मिली को कितने मिलेंगे? मैं पांच में से तीन दूंगा। तीन मिलेंगे? तीन। इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, वॉचेबल फिल्म, वॉचेबल फिल्म है। 10 से 15 मिनट कम हो सकते थे। हाँ, कम हो सकते, ऐसा कह रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि स्टार किड का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है हमारे एक्सपर्ट जिमी को। जानवी, थैंक यू, यस, थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको फॉर योर सुपर ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू वेरी मच।